साथियों, जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात की जाती तो उसमें से नमक सत्याग्रह दांडी मार्च एक प्रमुख घटना थी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया जा दिया था, और नमक जीवन के लिए एक जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। यह आंदोलन पूरे एक साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के साथ खत्म हुआ। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो भी आप प्रश्न करते हैं उनके जवाब